संस्कृति और सभ्यता। जब से भारत स्वाधीन हुआ, हमारे देश में दो प्रवृत्तियां बड़े जोर से बढ़ने लगी हैं। एक प्रवृत्ति तो है कल कारखानों के विकास की, और दूसरी वह जिससे प्रेरित होकर हम नृत्य, संगीत, नाटक और खेलकूद में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे से संबद्ध हैं। दिन भर डटकर काम करने वाला आदमी शाम को मनोरंजन खोजता है। दिन भर धूप में जलने वाला प्राणी शाम होते ही चांदनी में घूमना चाहता है, फूलों की गंध से भरा होना चाहता है, अथवा नदी के किनारे बैठकर सब कुछ भूल जाना चाहता है। दिन भर का थका मुसाफिर शाम को जिस मनोरंजन की तलाश करता है, उसका नाम पड़ गया है सांस्कृतिक कार्यक्रम। और बड़े शहरों में संस्कृति का सामान्य अर्थ नाच गाना और नाटक हो गया है। प्रत्येक सुसभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत नहीं होता है, क्योंकि संस्कृति का निवास मोटर, महल और पोशाक में नहीं, मनुष्य के हृदय में होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी पोशाक में होने पर भी तबीयत से नंगे होते हैं, और तबीयत से लगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मोटर और महल तो क्या, अच्छी पोशाकों का भी अभाव है, किंतु उनमें दया, शील सौजन्य एवं परोपकार की भावना की कमी नहीं है। अतएव ऐसे लोगों के नाम सुसंस्कृत व्यक्तियों की सबसे ऊपर वाली सूची में लिखे जाने चाहिए। सभ्यता के पीछे शहरीपन का स्पर्श है, वह नगरों से निकली हुई चीज मालूम होती है, किंतु संस्कृति ग्रामों के सहज जीवन की याद दिलाती है। सच पूछिए तो कल्चर का यही अनुवाद संस्कृति नहीं, कृषि होगा, जो कर्मण अथवा खेत जोतने की पर्याय है। मनुष्य की आत्मा भी खेल के समान है। उसके भीतर हल की जितनी ही रेखाएं खींची जाती हैं, वह उतना ही मुलायम और उर्वर होता जाता है। सभ्यता बहिर्मुखी गुण है, वह शरीर को सजाती है। संस्कृति मनुष्य की आत्मा की चीज है, वह उसे भीतर से कोमल, दयालु और विनम्र बनाती है। एक तरफ से देखिए तो संस्कृति प्रकृति से भिन्न गुण है। क्रोध करना मानव प्रकृति है, किंतु क्रोध को रोक कर रखना संस्कृति है। काम का उलंग आचार प्रकृति है, किंतु काम को बंधे खाट में बहाना संस्कृति है। प्रतिशोध की भावना प्रकृति है, किंतु जहर पचाकर उसे अमृत बनाना संस्कृति का काम है। प्रकृति हिंसा है, जिसकी लपेट में पड़ी हुई दुनिया बेचैन हो रही है। संस्कृति अहिंसा है, जो इस जलते हुए संसार को अग्नि से बाहर लाना चाहती है। सभ्यता बहुत बढ़ी तो एटम बम लेकर खड़ी हो गई। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिसके विकसित होने पर यह संहारक बम गुलाब का फूल बन जाएगा। जब तक विज्ञान नहीं आया था, सभ्यता और संस्कृति के बीच वह दूरी नहीं थी जो आज दिखाई देती है। सभ्यता शरीर का गुण है, और विज्ञान की सारी सेवाएं शरीर के लिए हैं। अतएव विज्ञान की शक्ति से सभ्यता का अति विकास हो गया, किंतु आत्मा विज्ञान के क्षेत्र से बाहर पड़ती है। इसलिए विज्ञान का कोई लाभ आत्मा के गुणों को प्राप्त न हो सका। परिणाम यह होता है कि विज्ञान अपनी शक्तियों से स्वयं भयभीत हो उठा है। परिस्थिति यह है कि एटम और हाइड्रोजन बमों के आविष्कार में जिन्होंने सोत्साह भाग लिया था, स्वयं वे वैज्ञानिक ही दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि वे अत्यंत घातक हैं, और उनकी जांच पड़ताल का लोभ हमें छोड़ देना चाहिए। किंतु आगाही की यह आवाज केवल उन्हें सुनाई पड़ती है जो छोटे और कमजोर हैं,
जो बड़े देश हैं उनके कान बहरे हो गए हैं। वहां सभ्यता संस्कृति की छाती पर चढ़ बैठी है और शरीर ने आत्मा को कुचलकर पांवों के नीचे दबा रखा है। सभ्यता के इस अत्याचार से संस्कृति का त्राण कैसे किया जाए, यही वह विषय है जिसे लेकर आज का विश्व चिंतन अपना मस्तक थुन रहा है। किंतु यह त्राण तब तक नहीं मिलेगा जब तक मनुष्य प्राचीन विश्व के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाता। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का नवीन ज्ञान बिल्कुल ठीक और उसका प्राचीन ज्ञान सबका सब गलत है। विज्ञान अधिक से अधिक पिछले 200 वर्षों से बढ़ा है, किंतु मनुष्य की सभ्यता कम से कम 6000 वर्ष प्राचीन है और इन 6000 वर्षों में मनुष्य ने जो कुछ सोचा उसमें बातें थीं जो अपनी उपयोगिता के साथ समाप्त हो गईं, और बहुत सी ऐसी भी हैं जो मरना नहीं जानती और जिनका आज भी उपयोग है। विशेषतः भारतवर्ष की ओर संसार जिस आशा से देख रहा है उसका लक्ष्य नवीन नहीं बल्कि प्राचीन भारतवर्ष है। जैसे नवीन विश्व के नेता अमेरिका और रूस हैं, वैसे ही प्राचीन विश्व का नेता भारतवर्ष था। किंतु नवीनता के साथ लड़ाई में यह प्राचीन विश्व सर्वत्र पराजित हो गया। केवल भारतवर्ष में वह आज भी युद्ध कर रहा है। एक यह भी कारण है कि नवीन सभ्यता से पीड़ित विश्व भारत की ओर किसी रहस्यमयी आशा से देखने लगा है। किंतु भारतवर्ष किस प्रकार अपने को योग्य बना सकता है कि वह इस आशा को पूर्ण कर सके? क्या विज्ञान के त्याग के द्वारा? विज्ञान का त्याग असंभव है और वह हमारे अर्वाचीन इतिहास की शिक्षा के भी विपरीत होगा। अभिनव भारत का जन्म 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था और तब से इस देश में विचारों के जो भी नेता हुए उनके आपसी मतभेद चाहे जो भी रहे हों, किंतु इस बात में वे सब के सब एक थे कि भारत न तो अपने प्राचीन ज्ञान का त्याग कर सकता है न यूरोप के नवीन ज्ञान का। भारत की राजनीतिक राष्ट्रीयता उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की देन है। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, अरविंद घोष और रवींद्रनाथ टैगोर, ये हमारे अर्वाचीन आकाश के ज्वल्यमान ज्योति पिंड हुए हैं और ये सब के सब किसी न किसी सीमा तक धार्मिक थे। उनका ज्ञान पश्चिम से था किंतु उनकी सारी प्रेरणाएं भारत के अतीत से आई थीं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि भारत अहिंसा के द्वारा स्वाधीन हुआ और अहिंसा से ही सामंतशाही एवं जमींदारी प्रथाओं का उन्मूलन करके वह समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। जातियों की प्रगति के मार्ग बाहर से नहीं आते, वे उनके सुदूर और निकट के इतिहास से निकलते हैं। भारत की प्रगति के लिए इतिहास से जो मार्ग निकला है वह धर्म और विज्ञान के समन्वय का मार्ग है। वह राजनीति और संस्कृति के मिलन का मार्ग है। वह प्राचीन और नवीन के आलिंगन का मार्ग है। ज्ञान के स्तर पर रामकृष्ण, विवेकानंद और अरविंद ने जो दर्शन तैयार किया, कर्म के स्तर पर उसका वही रूप हो सकता था जो उसे गांधी जी के हाथों प्राप्त हुआ है। गांधी जी भारत के धार्मिक इतिहास के प्रतीक थे और हमारे इतिहास ने अपने को जीवित और चैतन्य सिद्ध करने के लिए ही उन्हें उत्पन्न किया था। वे यदि नहीं होते तो भारत का इतिहास झूठा हो गया होता। हिंसा से पीड़ित विश्व में अहिंसा की ज्योति छिटका कर वे हमारे इतिहास की आगामी सदियों के लिए जला दिए हैं। हर एक भारतवासी का धर्म है कि वह गांधी जी को समझे,
क्योंकि गांधी जी भारतवर्ष की सबसे नवीन टीका हैं। गांधी जी वह विनयपूर्ण भाषा हैं, जिसके द्वारा प्राचीन विश्व ने नवीन विश्व को शांति का मार्ग बताया है। सभ्यता यानी बाहरी थाट बाट की उपासना बहुत हो चुकी, अब जरा उन गुणों की भी पूजा करो जिन्हें संस्कृति कहते हैं। संस्कृति सुख नहीं सदाचार है, संस्कृति ताकत नहीं विनम्रता है, संस्कृति संयम नहीं त्याग है, संस्कृति विजय नहीं मैत्री है, और सबसे बढ़कर संस्कृति की चरम साधना अहिंसा से प्रकट होती है, और अहिंसा केवल अनाघात को नहीं कहते हैं। सच्ची अहिंसा वह है जो विरोध के मन को भी क्लेश नहीं देता, जो चिंतन के धरातल पर भी गुस्से में नहीं आता, जो सुसंस्कृत होगा वह दुराग्रह नहीं करेगा कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह ठीक और दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं वह गलत है। संस्कृति अनेकांत वादिनी होती है, वह अपना पक्ष भी समझती है और विरोधियों के मतों का भी आदर करती है। जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है वह अपने हृदय की आधी सहानुभूति अपने विरोधियों के लिए सुरक्षित रखता है। सहिष्णुता, सह अस्तित्व, संस्कृति और पंचशील ये एक ही चीज के अनेक नाम हैं। लोग चाहते हैं कि दुनिया पर बमों से आग न बरसे, किंतु यह तो संभव होगा जब लोग बहस के समय आंखों से आग बरसाना छोड़ दें।